जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आपको बीपीटी में एडमिशन लेना है उत्तर प्रदेश के किसी भी कॉलेज में, तो उसके लिए आपके पास ये लास्ट चांस है। जी हाँ साथियों, यदि आपको 2022-23 में बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आप अभी एडमिशन ले सकते हैं। अब किस तरीके से आप ले सकते हैं, क्या है प्रक्रिया, कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए होंगे और किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, कितनी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं बीपीटी कोर्स के बारे में। यदि आपको बीपीटी कोर्स में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको अब ये लास्ट चांस है। उसके रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो बहुत जल्द है, यानी कि 19 जनवरी तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद में 2 दिन का समय और दिया गया है, आपको यदि फीस पेमेंट नहीं कर पाते तो 2 दिन तक आप फीस पेमेंट और कर सकते हैं, यानी कि 21 जनवरी तक आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। अब बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, वैसे तो बीपीटी कोर्स क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पूरी डिटेल में इसके लिए वीडियो बनाई हुई है। यदि आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब यदि हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो साथियों इसके लिए आपने अपना 12th कंप्लीट किया हुआ हो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, वो आपका पीसीबी से होना अनिवार्य है। साथ के साथ उसमें आपका इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी है, इंग्लिश होना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आपने जो यूपी में आपका अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो आपके ओवरऑल 12th क्लास में 60% होना अनिवार्य है। यदि 60% नहीं है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। फिर चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी है, जनरल एससी एसटी ओबीसी, इसके साथ साथ यदि आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था तो आपको वहां पर क्या है 50% पर ही एडमिशन मिल जाएगा। इससे आगे बात करें, लेकिन उससे पहले की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं। साथियों, सक्षम एजुकेशन हर साल हजारों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है अप टू 100%। तो यदि आपको भी इसके लिए अप्लाई करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से, वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो आप जाकर के वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों, बात करें कि उत्तर प्रदेश में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, कहां कहां पर एडमिशन हो सकता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में जो बीपीटी के कॉलेज हैं वो लगभग 23 से 24 कॉलेज हैं। इसमें आपका जो प्राइवेट कॉलेज और जो गवर्नमेंट, दोनों ही कॉलेज हैं, तो इनमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। यदि फीस की बात करेंगे, कितनी फीस लगेगी, तो साथियों जो फीस है वो डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। यदि मिनिमम फीस की बात करें तो 20,000-30,000 रुपये पर ईयर से लेकर और 1,00,000 रुपये पर ईयर तक की फीस है। तो साथियों, ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि कोई बच्चा बीपीटी में एडमिशन लेना चाहता है तो वो एडमिशन ले सके। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।